हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। हरियाणा रोजगार कौशल निगम की तरफ से वैकेंसी आई है सभी सब्जेक्ट के शिक्षक भर्ती की। सैलरी 30,000 से अधिक सैलरी यहां पर आप लोगों को मिलने वाली है। आवेदन बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं, 23 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें हम मेन वेबसाइट पर देखेंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी आई है, TGT सोशल स्टडीज़ की वैकेंसी है, TGT साइंस की है, TGT हिंदी की है, TGT मैथमेटिक्स की है, TGT संस्कृत की है, उसके बाद देखें TGT इंग्लिश की है, PGT में बायोलॉजी की है, कॉमर्स की है, PGT संस्कृत है, PGT मैथमेटिक्स है, PGT इकोनॉमिक्स है, नेक्स्ट PGT पॉलिटिकल साइंस है, PGT हिस्ट्री की है और PGT हिंदी की है। ये तो सभी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और ये पैरा टीचिंग एसोसिएट्स वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सैलरी हायर देन 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 30,000 से अधिक सैलरी आपको मिलेगी। लास्ट डेट जो है वो 23 दिसंबर रहेगी। सभी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन आगे दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है TGT सोशल स्टडीज़ में क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं, कौन कौन जो है यहाँ पर आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट ने BA पास की है या BCom किया है, और यहाँ पर चाहे आपने BEd कर रखा है या 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, तो भी आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने ही चाहिए। SST के लिए जो है कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये कंडीशन है कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो कि आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हों, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए। जैसे आपका जो है एक हिस्ट्री है, दूसरा इकोनॉमिक्स है, या एक जो है ज्योग्राफी है, दूसरा इकोनॉमिक्स है, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर आपका हरियाणा टेट क्वालिफाई होना चाहिए। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिन्होंने हरियाणा टेट HTET क्वालिफाई किया हुआ है, बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत। हिंदी या संस्कृत आपने मैट्रिक में 10th में पढ़ी हो, 12th में, या BA में, या MA में जो है हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ी हो, और मेरे ख्याल से तो सभी ने पढ़ी होती है। 10th और 12th में हिंदी तो सब्जेक्ट सभी का होता ही है, ठीक है। तो ये TGT सोशल स्टडीज की थी। कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके जो है आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। 23 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पर आप देखें कहाँ पर आपकी जो है जॉब लगेगी, पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया है अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जिंद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत एंड यमुनानगर। तो ये जॉब लोकेशन रहेंगी। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इनमें से जो है आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आप जो है ये यहीं से जो है डिस्ट्रिक्ट सोच कर जो है आप लोग फिल करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है TGT साइंस के लिए, तो आपने BSc की है, 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, या आपने BEd किया है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके चाहिए, और जो है यहाँ पर भी जो है साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स आपका जो है सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, ठीक है। और HTET जो है वो हरियाणा टेट जो है वो बिल्कुल क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी आपकी जो है 10th 12th BA MA आपकी पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। सेम कंडीशन है TGT हिंदी के लिए भी यही है। उसके बाद TGT मैथमेटिक्स के लिए भी जो है यही कहा गया है। अगर किसी कैंडिडेट ने BA, BSc या BCom 50% अंकों के साथ मैथमेटिक्स आपके रहा है 3 साल ग्रेजुएशन लेवल में, तो TGT मैथमेटिक्स के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्लोमा वाले जो 2 साल का डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, या BEd वाले, दोनों ही एलिजिबल है TGT के लिए। अब PGT के लिए देख लेते हैं, PGT में जो है कौन कौन एलिजिबल है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं, सभी सब्जेक्ट हैं लगभग। तो PGT बायोलॉजी की सबसे पहले देखते हैं, MSc जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिकुलर बायो, 50% मार्क्स के साथ आपने ये इनमें से कोई भी जो है ग्रेजुएशन लेवल में किया हो। अब देखिए PGT के लिए जो है यहाँ पर BEd कंपल्सरी है, और साथ में जो है HTET भी जो है यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। अभी PGT बायोलॉजी के लिए केवल BEd वाले ही एलिजिबल रहेंगे, यानी मास्टर डिग्री आपकी बायोलॉजी में, साथ में BEd और साथ में HTET क्वालिफाई,
ये मांगा गया है। यहाँ पर जो है डिप्लोमा वाले बिल्कुल भी यहाँ नहीं चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी संस्कृत, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए भी इसी तरीके से है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एंड हिस्ट्री के लिए, जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो सामने ही अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जिन भी कैंडिडेट का एच टेट क्वालिफाई है, चाहे वह हरियाणा के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये जो वैकेंसी है परमानेंट नहीं है, संविदा के आधार पर अभी निकाली गई है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो निजी कंपनी जो है उसके द्वारा निकाली गई है, गवर्नमेंट के द्वारा जो है इनको जिम्मा दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोजगार कैंडिडेट को मिल सके जिनके पास क्वालिफिकेशन है और जिनको आवश्यकता है कि हाँ जल्द से जल्द जो है नौकरी उनको मिल सके। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करिएगा, अप्लाई का ऑप्शन यहीं पर दिया हुआ है। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसको आप ओपन करके देखा करें, वहीं पर आप लोगों को जो है लिंक मिल जाएगा, ताकि आप डायरेक्ट जो है इस पेज पर ही आ पाए और अप्लाई आप कर सकें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।